नमस्कार, मैं हूं साहब अली और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। हाल ही में हुए उपचुनाव में करैना समेत कई सीटों पर बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद एनडीए के अंदर खलबली मच गई है। एनडीए के सहयोगी दल जहां एक ओर बैठक कर तालमेल बनाने की बात कह रहे हैं, कहीं पे सीट शेयरिंग को लेकर के बवाल हो रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जदयू के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं बिहार फतह के लिए रणनीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के नेता बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ एक नहीं बल्कि दो दो मुलाकात कर डाली। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 2015 में आरजेडी, कांग्रेस और जदयू को साथ ला करके बीजेपी का विजय रथ रोक दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2019 लोकसभा चुनाव में जदयू की कमान संभाल सकते हैं। खबर है कि पिछले एक महीने में दो बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक रविवार को जदयू की बैठक में भी प्रशांत किशोर मौजूद थे। ऐसे तो प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2019 में वो वापस बीजेपी के लिए चुनावी मोर्चा तैयार करेंगे या नहीं। प्रशांत किशोर का नाम पहली बार 2014 लोकसभा चुनाव में ही सामने आया था। उस वक्त उन्होंने मोदी शाह के लिए ही काम किया था और बीजेपी को 2014 लोकसभा चुनाव में अपार सफलता दिलाई थी। खबर यह भी है कि प्रशांत किशोर अगर 2019 लोकसभा चुनाव में जदयू के लिए काम करते हैं तो वह कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के साथ आना कितना सही है और कितना गलत, या फिर ये सिर्फ अटकलें हैं, ये आगे की बात होगी। लेकिन लाइव सिटीज़ आपको इस खबर से जुड़ी और बिहार और देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट्स लगातार पहुंचाता रहेगा। लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि आप तमाम खबरों से अपडेट रह सकें।